दोस्तों एक सिक्का आपको क्या दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉफ़ी या फिर कुछ नहीं, क्योंकि आज के टाइम में एक रुपये के सिक्के की कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रही है। लेकिन मेरे दोस्त, आज जिस सिक्के की बात हम करने जा रहे हैं, वो सिक्का अगर आपके पास है तो आप करोड़पति है, क्योंकि हम जिस सिक्के की बात कर रहे हैं वो पूरे 10 करोड़ में बिका है। अगर आपके पास भी पुराने सिक्के पड़े हैं तो आप भी इनके बदले लाखों पा सकते हैं, बस आपको सही कदरदान खरीदार मिलने चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। एक रिपोर्ट के अनुसार एक सिक्के की बोली लगी, वो भी पूरे 10 करोड़ की, क्योंकि वह सिक्का अपने आप में बहुत ही खास है। ये 1 रुपये का सिक्का ब्रिटिश इंडिया का है। अंग्रेजों के शासनकाल के समय ये सिक्का वर्ष 1885 में बनाया गया था। ऐसे सिक्के बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं, काफ़ी पुराना और दुर्लभ होने के कारण इस सिक्के की कीमत करोड़ों में लगाई गई। हो सकता है कि आपके पास आपके घर में भी ऐसे 10 को पुराने सिक्के पड़े हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके बुजुर्गों ने अंग्रेजों के ज़माने के सिक्के ही सहेज के रखे हो। अगर आपके पास भी ये दुर्लभ सिक्का है तो इसे बेचकर करोड़ों बनाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें बेचा कहाँ जाता, तो आपको बता दूं कि आप पुराने सिक्के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वेबसाइट्स। उन वेबसाइट्स का नाम है क्यूकर, इंडियन कॉइन मिल, इंडियन मार्ट और कॉइन बाज़ार। इन वेबसाइट पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल देकर रजिस्ट्रेशन करो, फिर आप सिक्के की तस्वीर और डिटेल डालकर इसकी कीमत निर्धारित करो, और बस सीधे से और सिंपल से इस प्रोसेस के बाद यहाँ इच्छुक खरीदार आपसे संपर्क करेंगे और आपको मोटा पैसा दे सकते हैं। दोस्तों वैसे भी हम लोग हर दिन लाखों फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो फिर इन 1-2 फ़ोटोज़ वेबसाइट पर अपलोड करने में क्या दिक्कत है, ट्राई तो किया ही जाए। अगर आपके पास भी कोई पुराना सिक्का या नोट है तो आप इन वेबसाइट्स के ज़रिए उन्हें बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इन सिक्कों की खरीद और बिक्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह के डील खरीदने और बेचने वाले के बीच होती है, इसमें RBI की किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं रहती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कोई पुराना सिक्का है तो उसे प्लीज़ एक बार ज़रूर इस वेबसाइट्स पर अपलोड करके ट्राई करें। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।